हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई भी रेमेडी शेयर नहीं करने वाली हूं। मैं आज आपके साथ एक अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाली हूं, साथ ही डिस्कस करूंगी कि किस तरह से मैंने इस अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, 100 में से 99% लोगों के साथ ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या है? नींद ना आना। देखिए, सबसे पहला जो रीजन है ना नींद ना आने का, एक तो ये कि हम घंटों के हिसाब से कंप्यूटर पे काम करते हैं या फिर लैपटॉप पे या फिर मोबाइल ही घंटों के हिसाब से देखते हैं, तो उसकी वजह से सबसे बड़ा और मेजर जो रीजन है वो यही है। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग वगैरह काफी टाइम तक मतलब कंप्यूटर और इस पे फोन पे काम करती रहती हूँ, जिसकी वजह से फिर मुझे नींद नहीं आती थी प्रॉपर तरीके से। मतलब घंटों बीत जाते थे इधर से उधर होते होते, लेकिन नींद नहीं आती थी। एक और रीजन है, कुछ एक लोग देखिए नाइट शिफ्ट करते हैं, तो फिर उनको मॉर्निंग में ये वाली समस्या होती है कि अच्छे से फिर प्रॉपरली नींद नहीं आती। और नींद जब नहीं आती है ना, तो मुझसे बेहतर तो और कोई नहीं समझ सकता। मतलब एक तो आपका स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है, और कई सारी बीमारियां आपके शरीर में लगने का भी खतरा रहता है, और यूं ही मतलब आंखें सूजी सूजी सी, मतलब कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। तो प्रॉपर तरीके से नींद आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला, ये देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी। ये नवेदा का स्लीप एड मेलाटोनिन 3 mg। अब ये मेलाटोनिन क्या है, मतलब नींद हमें आती क्या है, थोड़ा सा मैं पहले तो ये आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए, ये मेलाटोनिन जो है ये एक तरह का हार्मोन है जो कि हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, और ये कब प्रोड्यूस होता है, जब हम मतलब अंधेरा होने लगता है। यही रीजन है कि अंधेरा होता है, मतलब रात को ही हमें नींद आती है मतलब नेचुरल तरह से। और जो दिन में मतलब जिसने नाइट शिफ्ट कर रखी है और दिन में सोना चाह रहा है, तो दिन में ये मेलाटोनिन जो है ना, ये इसके प्रोडक्शन नहीं होता है, और उस वजह से फिर हमें प्रॉपरली नींद नहीं आ पाती है। पर अब क्या करें भाई, देखिए अब नाइट शिफ्ट लगाई है तो दिन में भी नींद तो चाहिए ही ना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है। देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मेलाटोनिन 3 mg, मतलब मेलाटोनिन ये क्या करेगा, आपको मतलब हैबिचुअल नहीं बनाएगा। जैसे कि मार्केट में बिकने वाली नींद की गोलियां आपको एक तरह से हैबिचुअल बना देती हैं, कि अगर आप गोलियां लोगे तभी फिर आपको नींद आएगी, और गोलियां लेना बंद तो नींद आना भी बंद। तो ये क्या करेगा, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है मेलाटोनिन, तो जो आपका नींद लाने वाला मेलाटोनिन हार्मोन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, साथ ही आपको इस तरह से हैबिचुअल भी नहीं बनाएगा कि आपको बार बार गोलियां ही लें तभी आपको नींद आएगी। तो उस चीज के लिए दी बेस्ट ये सॉल्यूशन है, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप इसे इजीली परचेज कर सकते हो, या फिर आप नवेदा की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाकर के भी इसे खरीद सकते हो। बात करें प्राइस की, तो देखिए इस पे एमआरपी ज्यादा पड़ा हुआ है। अगर आप नीचे लिंक के थ्रू जाते हो, मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट पे चेकआउट करोगे, तो 301 रूपये में ये आपको घर पे आकर के मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन ये है, मतलब ये आपको एक तो हैबिचुअल नहीं बनाएगा, और जो मार्केट में मिलती है ना नींद की गोलियां, पहली बात तो है कि ये इजिली मिलती नहीं है, आपको डॉक्टर से लिखवा के लाना पड़ता है तब जाकर के कोई देता है, और जब देता भी है तो उसमें बहुत सारे इस तरह के टॉक्सिक्स पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए हमें, और वैसे भी नींद की गोलियां अगर आप लेने लग जाते हो तो आप उस चीज के एडिक्टेड हो जाते हो, इसलिए नींद की गोलियां नहीं लेनी चाहिए। और ये जो मैं आपको बता रही हूं, इसमें जो बता रही हूं मैं कि नींद की गोलियां आप लेते हो, उस तरह के कोई भी टॉक्सिक इसमें नहीं पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी को हार्म करे। मतलब इससे आप एक तो हैबिचुअल भी नहीं होगे, जो नींद की गोलियां खाने से आप हैबिचुअल हो जाते हो कि फिर नींद की गोली खाई तभी नींद आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, तो वो वाला काम आपका बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप भी मेरी तरह जूझ रहे हो नींद ना आने की समस्या से, तो सबसे बेस्ट वाला सॉल्यूशन है ये, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। बाकी अगर और भी कुछ मेरे साथ पूछना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो की कर रही है पेंडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।